प्यारे बच्चों, आज मैं वर्गष्टम विषय हिंदी पाठ प्रथम शीर्षक है जलाती चलो। इसकी कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने समाज में सन्हे रूपी दीपक को जलाने के लिए कटिबद्ध है। सन्हे का दीपक, प्यार का दीपक जलाने से समाज में सामंजस्य स्थापित होता है। समाज में समानता को लाने के लिए सन्हे का दीपक, जो कि तिमिर को भगाने में सक्षम हो पाता है, सन्हे का दीपक जलाने के लिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें जो है जोर दिया है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, रोचक है तथा प्रसाद गुणमंडित है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसकी भाषा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सामाजिक परिवेश में अपने जीवन को ढाल सकते हैं। इस शीर्षक कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्नेह के दिए को जलाने से वो धारा का अंधेरा मिटेगा। कवि ने दिए जलाने का आह्वान किया है, स्नेह का दीपक जलाने के लिए हम कवि ने आह्वान किया है। युगों से मानव ने अनगिनत दिए जलाए हैं, अंधेरे की अनगिनत दिए जलाए हैं। हम जो है कविता के माध्यम से इसकी विशद विवेचना करेंगे। लिखा है कि जलाते चलो ये दिए सन्हे भर भर, कभी तो धारा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। पहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए सन्हे भर, कभी तो धारा का अंधेरा मिटेगा। युगों युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दिए दे गए हुए, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए सन्हे भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही चलती रहेगी। चली जो प्रथम बार लौ दिएगी, स्वर्ग सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सबीरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए सन्हे भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी ने दीप की नाव यानी अंधेरे को मिटाने के लिए दीप की नाव यहां बनाई गई है। दिए और तूफान की कहानी युगों युगों से चली आ रही है। कवि ने हम सबों को स्नेह के दीपक जलाने के लिए आह्वान किया है कि स्नेह का दीपक जलाइए।
तभी समाज में नई किरण का उदय हो सकता है। जब तक स्नेह रूपी दीपक को नहीं जलाएंगे तब तक हमारे अंदर वो तिमिर यानी अंधकार वो व्याप्त ही रहेगा। इसलिए अंधेरे को मिटाने के लिए हमें स्नेह का दीपक जलाने के लिए यहाँ कवि ने जो है अपनी कविता के माध्यम से उजागर किया है। युगों से मानव ने शिला पर अनगिनत दिए जलाए हैं, तो किसके अनगिनत दिए जलाए हैं? तो अंधेरे की अनगिनत जलाए हैं। यदि भूमि पर एक भी दीप रहेगा तो रात्रि को सवेरा मिलेगा। स्नेह के दीप जलाने से वो धरा का अंधेरा मिटेगा, यानी पृथ्वी का अंधेरा मिटेगा। स्नेह रूपी स्नेह का दीप जलाने से वो अंधेरा मिटेगा, यानी किसका अंधेरा मिटेगा? धरा का अंधेरा मिटेगा, पृथ्वी का अंधेरा मिटेगा। पहला दीप जलाकर मानव ने तिमिर को चुनौती स्वीकार की थी। जलते हुए अनगिनत दिए पवन ने बुझा दिए थे। प्रथम दिए की लौ कैसे जल रही है? तो स्वर्ण सी जल रही है। इस कविता की रचयिता हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इसमें कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसे दिए जलाने का आह्वान किया है? कवि ने स्नेह के दीपक जलाने का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है, पहला दीप जलाकर मानव ने किसकी चुनौती स्वीकार की थी? तो उत्तर होगा, पहला दीप जलाकर मानव ने अंधेरे की चुनौती स्वीकार की थी। यदि भूमि पर एक भी दीप रहेगा तो किसको सवेरा मिलेगा? यदि भूमि पर एक भी दीप रहेगा तो रात्रि को सवेरा मिलेगा। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहाते चलो, खाली जगह है, तुम वो निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तुम वह निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर का किनारा मिलेगा। खाली जगह में यह होगा नाव। बहाते चलो नाव, तुम वह निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। दूसरा नंबर है, खाली जगह, साक्षी वह जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो यह भरा है समय, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। तीसरा है, मगर बूझ स्वयं, खाली जगह, जो दिए गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। यहां है ज्योति, ज्योति जो दिए गए वे उसी को तिमिर को उजाला मिलेगा। चौथा है, जली तो प्रथम बार, खाली जगह, दिए की स्वर्ण सी चल रही जलती मिलेगी।
यहां भराएगा नौ, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर, स्नेह के दिए जलाने से किसका अंधेरा मिटेगा? तो स्नेह के दिए जलाने से धारा का अंधेरा मिटेगा, यहां क्या होगा? धारा का अंधेरा मिटेगा। दूसरा है, पहला दीप जलाकर मानव ने किसकी चुनौती स्वीकार की? उत्तर होगा, पहला दीप जलाकर मानव ने तिमिर को चुनौती स्वीकार की थी। तिमिर मीन्स अंधेरा। तीसरा है, जलते हुए अनगिनत दिए किसने बुझाए? तो पवन ने। उत्तर होगा, पवन ने। प्रथम दिए की लौ कैसे जल रही है? स्वर्ण सी जल रही है। इस कविता की रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इसके बाद हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। वर्णों को जोड़कर शब्द बनावे, पहला है तो जोड़, हर्षही जोड़, मौ जोड़, हर्षही जोड़, रो जोड़, ओ बराबर यह क्या होगा? तो जोड़ हसी का, मौ जोड़ हसी का, रो जोड़ ओ बराबर होगा तिमिर। कैसे? तो जोड़ हसी कर, तो हसी कर, मौ जोड़ हसी कर, रो प्लस ओ बराबर रो, तो क्या शब्द बना? तिमिर। दूसरा हम लोग देखेंगे, क जोड़ हर्षही जोड़, नौ हलन जोड़, आ जोड़, रोहलन जोड़, आ बराबर। क जोड़ हर्षही, नौ जोड़ आ, रो जोड़ आ, रोहलन जोड़ आ। तो यहां देखिए, क जोड़ हर सही बराबर क्या होगा? की।
इसके बाद हम लोग निगाह डालेंगे नौ जोड़ आ बराबर क्या होगा ना, एक एक बिंदु पर हम ना आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रो जोड़ आ बराबर होता है रा, तीनों वर्णों को मिला देंगे क्या होगा सर किनारा होगा। क जोड़ हर सही नौ जोड़ आ जोड़ रो जोड़ आ बराबर सब क्या बना किनारा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे स्वर हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत जोड़ तालव सो जोड़ दीर्घ ई। अब देखिए स्व जोड़ आ बराबर साम, क जोड़ सो जोड़ हसी का दिगी का, तो सो जोड़ आ बराबर होता है साम, क जोड़ सो जोड़ दिगी का साक्षी। इसके बाद चार नंबर स्व जोड़ वो जोड़ ओ जोड़ यो जोड़ ओम अनुस्व बराबर स्व जोड़ वो ओ जोड़ यो जोड़ ओम अनुस्व बराबर स्वयं। इसके बाद स्व जोड़ ओ वो प्लस वो जोड़ ए प्लस रो जोड़ आ, यहां देखा जाए स्व जोड़ ओ बराबर स्व वो जोड़ ए बराबर वे। रो जोड़ आ बराबर राम, तो क्या बना सभी राम। इस तरह से वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, शब्द का निर्माण होता है। अब हम लोग जो है और आगे बढ़ेंगे इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए जैसे नयन ने जोड़ अन जगदीश जगत जोड़ ईश नदीश नदी जोड़ ईश पावक पाव जोड़ अब सज्जन सत जोड़ जन इत्यादि इति जोड़ आदि। तो ने जोड़ आन बराबर नयन जगत जोड़ इस बराबर जगदीश नदी जोड़ इस बराबर नदीश
पाव जोड़ना बराबर पावक, सज्जन सद जोड़ जन बराबर सज्जन, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के संधि कीजिए। पहले हम लोगों ने जाना संधि विच्छेद, अब संधि विच्छेद को जो है उसको संधि करना है। जैसे सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार बराबर सदाचार, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण, स्वयं जोड़ वर्ग, स्वयं जोड़ वर्ग बराबर स्वयं वर्ग, जगत जोड़ अंब, जगत जोड़ अंबा बराबर जगदंबा, जगदंबा, जगत जोड़ अंबा बराबर जगदंबा, परम जोड़ तू, परम जोड़ तू बराबर परंतु होगा। तो यह है संधि कीजिए, यानी संधि विच्छेद है उसको संधि करना है। जैसे सत जोड़ आचार बराबर सदाचार, असदाचार को तोड़ देंगे तो संधि विच्छेद हो जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप में इसको बदलना है। जैसे दिया एक वचन में है, इसको बहुवचन बदलना है तो हो जाएगा दिए। शिला, शिलाएं पत्रिका, पत्रिकाएं सरिता, सरिताएं, सरिताएं किनारा, किनारे ये सब एक वचन से बहुवचन है। दिया से दिए, शिला से शिलाएं, पत्रिका से पत्रिकाएं, सरिता से सरिताएं, किनारा से किनारे। प्यारे बच्चों ध्यान से जो है पढ़ाए गए बातों की पुनरावृत्ति कर लेंगे। धन्यवाद।